सरकार कड़ा कोरोना टीका दीजिए, ये कोरोना, ये कोरोना इससे नहीं होगा सर। हाँ, कीचड़ में हम लोग खड़ा है लाइन में, इस कीचड़ में हेल कर अंदर देखिए, अंदर का विधि व्यवस्था क्या है, ब्लैक से काम हो रहा है वो नहीं है, तो अभी आ रहा है तो वो भी आ रहा है, कभी बंद कर दे रहा है खिड़की, कोई व्यवस्था नहीं है। हम तो 1 बजे से लगे हैं। 1 बजे कौन पद के लिए है? वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य के लिए पद लगाया गया हुआ है, और देख सकते हैं हंगामा भी, हंगामा जो हो रहा है वह महिलाओं का पर्ची कटाना है, जेंट्स पर्ची कटा रहे हैं, कुछ भीतर से लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रकाश न्यूज लाइव के तमाम दर्शकों का स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि पूरे बिहार में पंचायत चुनाव सरगर्मी तेज है, और अभी हम मौजूद है दो जगहों पर, अभी सरैया और मरवन में चुनाव संपन्न हो चुका है, और उसके बाद अब कांटी में भी लोग जो हैं प्रत्याशी अब अपने अपने यहाँ पे कांटी ब्लॉक में है, और यहाँ पे पर्ची कट रहा है, और देख सकते हैं यहाँ पे वार्ड सदस्य के लिए यहाँ पे पर्ची कट रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे भी जानेंगे कि बारिश होने के बाद जो यहाँ पर व्यवस्था किया गया था वो व्यवस्था कितना काम हो रहा है, अभी आपको दिखा रहे हैं। क्या कुछ व्यवस्था है? कुछ नहीं व्यवस्था है सर, 10 बजे से भूखे प्यासे लोग प्यासे यहाँ मर रहे हैं, कुछ नहीं है व्यवस्था। क्या व्यवस्था है ये देख रहे, सरकार करा कोरोना टीका दीजिए, ये कोरोना, ये कोरोना इससे नहीं होगा सर। हाँ, कीचड़ में हम लोग खड़ा है, 5-10 मिनट 15 मिनट लगता है ये रसीद कटने में लगता है। कितने बजे है? 10 बजे से लाइन लगल है सर। कितने बजे? 10 बजे से भैया लगे हुए लाइन में, इस कीचड़ में हेल हेल कर अंदर देखिए, अंदर का विधि व्यवस्था क्या है, ब्लैक से काम हो रहा है। अगर बारिश VIP लोगों के लिए हो रहा है? हाँ, VIP स्टैंडर्ड लोगों के लिए हो रहा है, ब्लैक से काम हो रहा है सर। कहाँ से आते हैं? मुस्तफापुर वार्ड नंबर 5। और कुछ लोग हैं यहाँ पर, कहाँ से आए हैं? हम ये धमोली रामनाथ से आए हैं, और 12 नंबर वार्ड से आए हैं, और सुबह 10 बजे यहाँ पे आए हैं। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, अभी तक लमसम सुबह 10 बजे 10 आदमी के भी काम नहीं हुआ है यहाँ पे, लेडीज़ 10 के हुआ है, 10 जेंट्स का हुआ है, बाकी सब इसी तरह लाइन में खड़ा है। क्या कहा जा रहा है अंदर से? कह रहा है कभी ये नहीं है तो कभी वो नहीं है, तो अभी आ रहा है तो वो भी आ रहा है, कभी बंद कर दे रहा है खिड़की, कोई व्यवस्था नहीं है। 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा चल जाता है, उधर उधर घूमता है, एक रसीद काटता है, चल जाता है, उठ कर कुर्सी छोड़ कर चल जाता है, उधर उधर घूमता है। हम लोग खड़ा है भूखे प्यासे, इन लोग के यही रवैया है। और कुछ लोगों का काम सर कभी नहीं रुकेगा काम, हम लोग गरीबों लोगों का रुकेगा काम, रुक रहा है। और कुछ महिलाएं हैं लेडी, कितने बजे से लगे हुए हैं लाइन में? 11 बजे से। 11 बजे से जी। क्या कुछ परेशानी? परेशानी तो यही है कि लाइन में है, पता नहीं चल रहा है क्या। और देख सकते हैं काफी संख्या में महिलाएं हैं, इनसे भी जानते हैं, कहाँ से आए? कोलवा चौक से। कोलवा चौक से। कितने बजे से लगे हुए लाइन? हम तो 1 बजे से लगे हुए। 1 बजे कौन पद के लिए है? वार्ड सदस्य के लिए पद लगाया गया हुआ है, और देख सकते हैं हंगामा भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, हंगामा भी लोग कर रहे हैं, और एक बार कैमरा के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ऊपर का भी देखिए कि जो है उन लोगों को भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, मगर अभी तक कोई काम नहीं देखने को मिल रहा है, और देख सकते हैं लंबी कतार है। मैंने बुझा रहा है, देखिए अभी लाइन में ठहरा है कोई, बार बार ऐसा काम करा के भाग रहा है। अच्छा, ये पूरा पेपर सब तैयारी है, तब बार बार ऐसा काम कर रहा है, हम तो पड़े तक रहे अभी। देखिए पेपर भी पूरी तरह से बना कर रखे हुए हैं, मगर अभी भी इनको कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, और आपको दिखाएंगे एक तस्वीरें, और देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से कीचड़ है, और यहाँ पर वार्ड सदस्य के लिए यहाँ पर बनाया गया था जहाँ पे सामान मिला था, यहाँ पर कुछ और लोग हैं। क्या कुछ अभी सर यहाँ पर देखने के बाद लग रहा है? जी, यहाँ देखने के बाद लग रहा है कि कांटी प्रखंड के हर कोने कोने में, हर जगहों पर जो कीचड़ व्याप्त है, गंदगी व्याप्त है, रोड़ा टुकड़ा व्याप्त है, जिसके वजह से जो हर पद पर उम्मीदवारी के पर्ची के लिए जो उम्मीदवारी रखने वाले लोग हैं, पर्ची कटा रहे हैं, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस परेशानी को देखते हुए मैं तमाम प्रखंडवासी, अपने पंचायतवासी और तमाम कैंडिडेट्स के तरफ से जिला पदाधिकारी महोदय, प्रखंड पदाधिकारी महोदय एवं अन्य पदाधिकारी महोदय, कर्मचारी महोदय, लोगों को मैं आम आवाम के तरफ से आवाज़ देना चाहूँगा कि आप इस समस्या का समाधान करें, आप निष्पक्ष चुनाव के लिए भी पूरी तैयारी करें, उनके आने जाने, रहने सहने, उनकी दीवारी सौंपने, नॉमिनेशन के लिए व्यवस्था करें, ताकि आपसी हंगामा तालमेल है। हंगामा जो हो रहा है वह महिलाओं का पर्ची कटाना है, जेंट्स पर्ची कटा रहे हैं, कुछ भीतर से लोग कालाबाजारी कर रहे हैं,
कर्मचारी की कमी है, उनसे पूछने पर ये कह रहे हैं कि रसीद नहीं है, लोग कीचड़ में लाइन लगाकर खड़े हैं, इस वजह से लोग में गर्मा गर्मी हो रही है। तो यह कमी तो प्रखंड पदाधिकारी महोदय का है, यह पूरी व्यवस्था करके तब लोगों को डेट बनाकर क्या आमंत्रित करना चाहिए। इन तमाम लिस्ट भी नहीं निकला, लिस्ट भी नहीं है। एक वो अभी बोलने पर उस समय हम लोग बोले हैं 12 बजे करीब में, उधर लंबर लगा के महिला को जब लंबर लाइन में आया है तब बोला है कि इधर मानिकपुर पंचायत का नहीं है, जब उधर जाइए तभी एक बगल लिखा हुआ है, एक बगल बोर्डे नहीं है। देखिए जाकर कहाँ से मानिकपुर पंचायत कहाँ से आए हैं, क्या गोदाएँ फुलकहाँ पंचायत से, क्या कुछ दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो रहा है, पहले तो बोले हैं कि रसीदे नहीं है, तब एक घंटा ले बात करने के बाद में तब फिर रसीद आया है, परेशान हो रहे हैं लोग, यही तो दिक्कत है। कीचड़ उचड़ पूरे तरह से, अब पूरे तरह से कीचड़ है, जैसे एकदम पूरा सर देखिए ना, पूरे दशा हो गया है सर, पूरा एकदम पूरा कीचड़ है, खड़ा होने का जगह। पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, मगर यहाँ पर धरातल पर कोई काम देखने को नहीं मिल रहा है। अभी कांटी प्रखंड मुख्यालय के ये तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे थे, जहाँ ऐसे ही पंचायत चुनाव का अपडेट देखने के लिए चैनल पर बने रहे ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक ले जाते।